मानी राकेश सभापति महोदय, यस, आज इतिहास के जिस दलहेज पर दस मिनट, वह सामान्य दलहेज नहीं है सभापति महोदय। जिन तीन कानूनों को साम्राज्यवादियों ने साम्राज्यवाद के हित में लिखा था, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने पारित किया था, जिसे भारतीयों को दासता के बंधन में दमन के साथ बनाकर रखने के लिए बनाया गया था, आज उन तीन कानूनों को परिवर्तित ही नहीं किया जा रहा, तीन कानूनों को पूरी तरह से खारिज करके तीन नए कानून को बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश में डीकोलोनाइजेशन का एक नया इतिहास लिख रहे हैं। सभापति महोदय, इन कानूनों को बनाने में जो परिश्रम हुआ उसकी मैं एक छोटी सी झांकी बताना चाहता हूं, जिसे कल माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में बताया था। 18 राज्यों ने, 16 उच्च न्यायालयों ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, 22 लॉ यूनिवर्सिटीज ने, 5 विधिवेत्ताओं ने जो शिक्षाविद हैं, और 200 आईपीएस ऑफिसर्स ने, करीब 40 सांसदों ने और स्टैंडिंग कमेटी के साथ 3,200 सुझाव आए। इन 3,200 सुझावों में से इन तीन कानूनों को बनाया जा रहा है। जो मुख्य बातें जो चर्चा हुई, मैं 4-5 बातें उसमें उल्लेखित करना चाहता हूं। जो लोग महिलाओं के हित की बात करते थे लेकिन महिलाओं को संरक्षण न कानून दे पाती थी न पुलिस दे पाती थी, आज इस कानून के द्वारा 18 वर्ष की महिलाओं को, यानी 18 वर्ष तक की बच्चियों को उस श्रेणी में लाया गया, यदि उनके साथ बलात्कार होता है तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। 0 FIR और एस्कॉन्डिंग यानी फरार होने की जो संख्या थी, अपराध की संख्या 19 थी, उसे बढ़ाकर 120 कर दी गई है। सभापति महोदय, जो बुनियादी परिवर्तन हुआ है, उस बुनियादी परिवर्तन से समाज के सबसे हाशिए के लोग, महिलाओं को और भारतीय परिवेश में आ रही नई चुनौतियों को का सामना करने में तीनों कानून सामर्थ्य होंगे। कांग्रेस के शासनकाल में 58 साल तक इस देश में कांग्रेस पार्टी ने राज किया। सीआरपीसी में 78 परिवर्तन किए गए, 78 संशोधन किए गए, भारत और इंडियन एविडेंस एक्ट में 22 संशोधन किए गए, लेकिन यह पैचवर्क चलता रहा। इस पैचवर्क से अलग हटकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इन तीनों कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन किया। सीआरपीसी के 177 धाराओं को, सेक्शन को समाप्त कर में बदलाव लाया गया है, 24 को हटा दिया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट में लगभग 24 धाराओं में परिवर्तन किया गया है, 6 धाराओं को हटा दिया गया है। इन सभी बातों को कहते हुए मैं जिस बात को रेखांकित करना चाहता हूँ, लोकतांत्रिक तरीके से इस देश के हित में, इस देश के संदर्भ में जो तीन कानून बने हैं उसका आधार क्या है। पहले आधार दमन था और दासता थी, अब आधार मानवीयता और मानवाधिकार है। इन कानूनों के द्वारा मानवाधिकार को संरक्षित करने की पूरी कोशिश की गई है। हर व्यक्ति यह महसूस करे कि न्याय से दंड निकलता है, पहले दंड से न्याय निकलता था, तो पहले रूल बाय लॉ था, अब रूल ऑफ लॉ है। यह एक बड़ी बुनियादी परिवर्तन